मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक छेड़छाड़ का मामला इस कदर बढ़ गया कि आरोपी ने दिन दहाड़े गोली चला दी। इस वारदात में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, इसी के साथ ही पीड़ित युवती और उसके चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहरा गांव में रहने वाले गजराज अहिरवार के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी भोला अहिरवार ने गोली चला दी। इस वारदात में गजराज अहिरवार की मौके पे मौत हो गई। वहीं गोलीबारी में गजराज के बेटे गयादीन अहिरवार और छेड़छाड़ मामले में पीड़ित युवती को गोली लग गई। गोली मार दी। कितने लोगों ने? भोला अहिरवार, हमारे घर में तो भोला अहिरवार भर आया था, हमको बाहर पता ही नहीं, हम बाहर गए तो कोई नहीं मिला, हम दादाजी दुकान के अंदर डरे मिले, हमें बहन भाग गई थी, हम गोली चाचा को रस्ते में मार दी गोली। कितने लोगों ने मारी है? हमने तो भोला ही भर को देखा है। अच्छा, किस बात को लेकर के मारी? पहले से हमारी छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी थी, उसकी वजह से उन्हें रिपोर्ट मतलब गोली मारी हमारी। भोला की उम्र कितनी होगी? कितने से 30-28 साल होगी उसकी उम्र। 28 साल होगी। किसको गोली मारी है? दादाजी को, चाचा जी को, हमको। चोट किस किस को लगी है? गोली किस किस को लगी है? हमको लगी है, और ग्यादिन चाचा को लगी है, और हमारे दादाजी को लगी गजराज अहिरवार। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम को रवाना कर दिया है। अंतर्गत मोरा गांव में एक घटना हुई है, जहां पर एक व्यक्ति 24 वर्ष का जो है भोला अहिरवार, उसने फायरिंग किया और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी जो दो हैं उनका उपचार किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। इसी तारतम्य में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हो गई थी, सिविल लाइन की पूरी टीम और बाकी पूरी छतरपुर पुलिस लगी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को अरेस्ट करेंगे। पूर्व का एक केस था जिसको लेकर के जो इस केस में आरोपी है वो चाहता था कि राजीनामा हो, और प्रथम दृष्टया अभी इतना पता चला है, पूछताछ की जा रही है, गांव में भी हमारी टीम है, अन्य संभावित इलाके जहां पर वो छुपा हो सकता है वहां भी हमारी टीम रेड कर रही है, उसके बाद में और विषय क्लियर होगा। घायलों में एक को अभी रेफर किया है और एक अभी यहीं है और अभी स्टेबल है। अभी अभी फिलहाल उसकी पूछताछ की जा रही है कि वो क्या वो अकेला था या उसने और भी लोगों का सहयोग किया। बता दें, जानकारी के अनुसार छेड़छाड़ मामले में आरोपी काफी समय से पीड़ित परिवार को राजीनामा करने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब परिवार ने राजीनामा करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उनके घर में घुसकर गोली चला दी। तो वहीं पुलिस अब इस हत्यारे को पकड़ने के लिए टीम बनाकर छापेमारी कर रही है।